गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो न्यू चेंजेस किए गए हैं उससे रिलेटेड आज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको न्यू प्रोसेस बताने वाला हूं, जो कि बिना बैंक डिटेल्स के आप रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी में है वो कैसे ले पाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक ताकि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विदाउट बैंक डिटेल्स वो अच्छे से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप न्यू प्रोसेस विदाउट बैंक डिटेल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी जो है जीएसटी पोर्टल में पिछले हफ्ते में एक अपडेट आया था जिसमें कि जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसमें बैंक डिटेल्स डालने की एक ऑप्शन रहती थी, जहां पर हम लोगों को अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स वहां पे पुट अप करना होता था। उस डिटेल्स को अब हटा दिया गया है, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी लोगों के साथ कि जब हम लोग जा रहे थे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए तो वहां बैंक डिटेल्स मांगते थे, तो हम लोग जा रहे थे बैंक अकाउंट में, जब बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए तो वो लोग कह रहे थे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइए, तो इसीलिए ये परेशानी आ रही थी कि बिना जीएसटी नंबर के बैंक में अकाउंट नहीं खुल रहा था और बिना बैंक अकाउंट के जीएसटी में नंबर नहीं मिल रहा था। तो इन दोनों को ही एक साथ कैसे हम लोग पूरा कर पाएंगे, इसीलिए ये चीज चेंज किया गया है। वीडियो पे आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। और आपने अभी तक चैनल वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको ये चीज समझ में आ सके। अब चलते हैं हम लोग सीधा पोर्टल पे, और पोर्टल पे चल के देखते हैं रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहता है जीएसटी के अंदर। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर रहा हूं ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। जीएसटी पोर्टल हमने ओपन किया हुआ है, इसके अंदर आपको जाना है रजिस्ट्रेशन टैब में। रजिस्ट्रेशन टैब में जाने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जो ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, वहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन एंड टेम्पररी रेफरेंस नंबर ये दो चीज मांगा जाएगा। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करके आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी है, और इस बेसिक डिटेल्स को भर लेने के बाद आपके पास आ जाएगा TRN, और उसी TRN की मदद से जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ जाता है तब तक आप उस TRN को यूज करके जो है अपना लॉगिन कर पाएंगे। तो TRN जनरेट करने के लिए आपको यहां पर सिलेक्ट करना है कि IMA आप जो रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं वो किस कैटेगरी में ले रहे हैं, टैक्स पेयर में, टैक्स डिडक्टर में, टैक्स कलेक्टर में, जीएसटी प्रैक्टिशनर, काफी सारी लिस्ट है, जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट, किस स्टेट का आप किस स्टेट में आप नंबर लेना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी, लीगल नेम जो आपके पैन कार्ड में जो नंबर प्रिंटेड है, जो नाम प्रिंटेड है वो नाम आपको यहां पर पुट अप करना है, परमानेंट अकाउंट नंबर अपना डालना है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो एक्टिव है वो डालना है, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, ईमेल में भी ओटीपी जाएगा, मोबाइल में भी ओटीपी जाएगा, उन दोनों ओटीपी को वेरीफाई करेंगे और प्रोसीड करेंगे तो आपके पास एक TRN जनरेट हो जाएगा। TRN जनरेट मैंने किया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं TRN जनरेट करने के बाद आपको क्या करना है। जो TRN आपके पास आएगा उस TRN को आप डाल करके अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है TRN नंबर, उसके बाद हमने डाल दिया है यहाँ पे जो अपना है कैप्चा कोड वो, उसके बाद हमने किया इसको प्रोसीड। जैसे ही प्रोसीड करेंगे फिर से जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जो हमने पार्ट ए में डाला है उस ईमेल आईडी पे और मोबाइल पे एक ओटीपी चला जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं ओटीपी हमारे पास आ गया है, इस ओटीपी को अब हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे। ओटीपी को पुट अप करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माय सेव्ड एप्लीकेशंस क्रिएशन डेट फॉर्म नंबर एंड फॉर्म डिस्क्रिप्शन एक्सपायरी डेट, मतलब आप जिस दिन अपना TRN जनरेट कर लेंगे आपका फॉर्म GSTR REG1 वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जिस दिन आपने एक्टिवेट किया उसके अगले 15 दिनों तक वो एक्टिवेट रहेगा। अगर आपने 15 दिन के अंदर उस फॉर्म को पूरा भर के सबमिट नहीं किया तो वो ऑटो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद आपको दोबारा से TRN जनरेट करना पड़ेगा। तो ये 24 जनवरी 2019 को ये एक्सपायरी डेट है और अब ये ड्राफ्ट स्टेटस में है। अब इस पे हम लोग क्लिक करेंगे एक्शन वाले बटन पे। एक्शन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो है वो आपसे मांगी जा रही है। यहाँ पे सबसे पहली डिटेल्स जो है वो है बिजनेस डिटेल्स। इसमें आपकी डिटेल्स ऑफ बिजनेस जैसे लीगल नेम ऑफ बिजनेस एंड परमानेंट अकाउंट नंबर, ये जो हमने पार्ट ए भरा था TRN जनरेट करते समय उसी डिटेल्स को यहाँ पर वो सिस्टम ऑटो पॉपुलेट करेगा। उसके बाद आपको ट्रेड नेम भरना है, कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस भरना है, नेम ऑफ द स्टेट एंड सर्कल, कुछ डिटेल्स जो है वो ऑटो फिल रहेंगी, कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है,
डिस्ट्रिक्ट है, सिलेक्ट सेक्टर वगैरह आपको जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको सेंटर का जुरिस्डिक्शन जो है, कमिश्नरेट वगैरह, डिवीजन वगैरह, रेंज वगैरह सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको रीजंस टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, अगर आप कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तो आप उसको यस कर सकते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप कंपोजिशन में नहीं जाना चाहते हैं तो इसको आप नो रखेंगे। रीजंस टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, किस लिए आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे सिचुएशन में वॉलेंटरी है। बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जहां पर कि रजिस्ट्रेशन लेना होता है। एक होता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, अगर आपकी लाइबिलिटी क्रॉस कर रही है तो आपको लाइबिलिटी के हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारी चीजें दी गई हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आप उस चीज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसका डेट, तो हमारे केस में ये 9 जनवरी 2019 है। और इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है उसका डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ये हो गया टैब नंबर 1 बिजनेस डिटेल्स। इसको भर लेने के बाद, हर एक टैब को भरने के बाद, डिटेल्स भरने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आपका डेटा सेव नहीं होगा। और एक चीज ध्यान रखिए, ये प्रोफाइल में जब तक 100% नहीं हो जाएगा आप अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ प्रोपराइटर। डिटेल्स ऑफ प्रोपराइटर में जो आपके जिस बिजनेस का जो मालिक है उसका डिटेल्स आपको बेसिकली डालना है। अगर ये पार्टनरशिप फर्म है तो आपको यहाँ पर पार्टनरशिप, ये बेसिकली इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन है। अगर ये पार्टनरशिप फर्म या कंपनी होता तो यहाँ पर प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स की डिटेल्स मांगी जाती। यहाँ पर डिटेल्स ऑफ जो मांगा जा रहा है प्रोपराइटर, यहाँ पे नाम हम लोगों को डालना है, फादर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, टेलीफोन नंबर अगर है लैंडलाइन तो वो भी आप यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में आपको प्रोपराइटर का स्टेटस डालना है, डिन नंबर अगर डायरेक्टर्स के केस में होता तो यहाँ पे डिन नंबर डालना होता है। आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर कोई डायरेक्टर है जो कि नॉन रेसिडेंट है इंडिया का तो उसको आप नो करेंगे। जैसे ही नो करेंगे यहाँ पर पासपोर्ट नंबर मैंडेटरी हो जाएगा, तो यहाँ पर आप उसको यस करेंगे। और उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है और आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने से क्या होगा कि आपका अकाउंट जो है वो ई वेरिफिकेशन के लिए काम आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन ओपन होगा, इस डिक्लेरेशन को आप जरूर टिक करेंगे, नहीं तो आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको अपना रेसिडेंशियल एड्रेस डाल देना है। जो भी डिटेल्स आप डालेंगे वो एज पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसमें कोई भी मिसमैच ना रहे। रेसिडेंशियल एड्रेस जो आधार कार्ड में दिया गया है वो आप यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। उसके बाद अपना जो प्रोपराइटर है उसका रिसेंट कलर्ड साइट फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ आप यहाँ पर अपलोड करेंगे एज पर द स्पेसिफिकेशंस, जो भी है 100 KB, जो भी आपकी साइज दी गई है मैक्सिमम साइज। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी, यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी का मतलब क्या होता है। बेसिकली जो दुकान का मालिक होता है अगर वो खुद ही ऑथोराइज सिग्नेटरी होना चाहता है तो इसको यस कर सकते हैं, अगर वो किसी और बंदे को ऑथोराइज सिग्नेटरी करना चाहता है तो उसको नो करके जो अगला टैब आएगा उसमें उस बंदे की डिटेल्स जिसको वो ऑथोराइज सिग्नेटरी अपॉइंट करवाना चाहता है उसको उसकी डिटेल्स वहां पे भर सकता है अलॉन्ग विथ अ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो हमारे केस में प्रोपराइटर ही ऑथोराइज सिग्नेटरी है, इसलिए हमने यस किया हुआ है और इसको हम लोग फिर करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। जैसे ही हम लोग सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप देख पा रहे हैं अब जो एक्टिव टैब है वो है हमारा ऑथोराइज सिग्नेटरी का। चूंकि हमने उसको यस किया था तो जो डिटेल्स हमने पहले भरी थी सेम डिटेल्स प्रोपराइटर की यहां पर भी आपके पास ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। इस टैब में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी पे क्लिक कर देना है। प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी मतलब एक ही बंदा है जो कि ऑथोराइज सिग्नेटरी भी है और प्राइमरी भी है। अगर आप प्रोपराइटर के अलावा किसी और को ऑथोराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करते हैं तो आपके ऑप्शन पे है कि आप अपने आप को प्राइमरी कर सकते हैं या दूसरे बंदे को प्राइमरी कर सकते हैं। तो हमारे सिचुएशन में इसी को हम लोग प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी के रूप में देखेंगे। यहाँ पे हमने इसको टिक कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे सेव एंड कंटिन्यू, क्योंकि इस टैब में कुछ भी ज्यादा भरने के लिए नहीं है। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप अपने लीगल प्रोफेशनल्स ऑथोराइज करना चाहते हैं तो उस चीज को आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। और जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे जीएसटी प्रैक्टिशनर्स की जो है वह इनरोलमेंट आईडी मांगी जाएगी। इनरोलमेंट आईडी डाल के आप अपने प्रोफेशनल को भी यहाँ पर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, वो था ऑथोराइज पर्सन, ये है ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो ऑथोराइज सिग्नेटरी और ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव में ये डिफरेंस है कि ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपके बिहाफ में रिटर्न फाइलिंग, अपील फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह काम कर सकता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग कर रहे हैं इसको नो, क्योंकि हम लोगों के पास अभी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का कोई सीन नहीं है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का टैब, जिसमें हम लोगों को अपनी बिजनेस डिटेल्स की डिटेल्स यहाँ पे डालनी होती है। जो एड्रेस ऑफ बिजनेस प्लेस है वो यहाँ पर हम लोग डालेंगे, बिल्डिंग नंबर, फ्लोर वगैरह वगैरह। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो ईमेल आईडी आपने प्रोपराइटर का डाला है उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को यहाँ पे पुटअप करना होता है।
उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जिस बिजनेस प्लेस में आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं वहां का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कि वो अगर रेंटेड है, लीज्ड है, कंसेंट है, अदर्स है, जो भी है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेंट एग्रीमेंट के साथ और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना होता है। जो भी बिजनेस एड्रेस आप देना चाहते हैं उसका ओनरशिप का प्रूफ बेसिकली यहाँ पे देना है। वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको इसी चीज को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ये वाला ऑप्शन दिया गया है। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, म्युनिसिपल खाता कॉपी है, प्रॉपर्टी रिसिप्ट है, रेंट एग्रीमेंट है, एनओसी है, ये सारे डिटेल्स में से, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं इन एविडेंस फॉर द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस प्लेस। उसके बाद आपको नेचर ऑफ एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है कि आप जो बिजनेस करेंगे वो कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। तो हमने सिलेक्ट किया हुआ है होलसेल रिटेल। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, एक्सपोर्ट है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज है, वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, बॉन्डेड वेयर हाउस है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी आपके लिए ऑप्शनल है, जो भी आपके लिए प्रॉपर होता है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा बिजनेस प्लेस है तो आप यहाँ पे करेंगे हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यस करेंगे तो आपका जो है अगला टैब यहाँ पे ओपन हो जाएगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का। अगर आप उसको नो करेंगे तो वो डीएक्टिवेटेड रहेगा। अगर आपका एक से ज्यादा है, फैक्ट्री कहीं और है, ऑफिस कहीं और है, बिजनेस प्लेस कहीं और है, तो आप एडिशनल प्लेस, गोडाउन कहीं और है, तो आप एडिशनल प्लेस भी ऐड कर सकते हैं। तो अब जैसे हम लोग सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आ गया डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे नो आ रहा है, यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं आ रही है। अगर हमने वहां पे यस किया होता तो यहाँ पर भी उसकी डिटेल्स यहाँ पर मांगी जाती कि क्या एड्रेस है और क्या उसका डिटेल्स देना है। हम लोग यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। उसके बाद आ गया गुड्स एंड सर्विसेज। तो किस गुड्स में आप ट्रेड करेंगे या कौन से सर्विसेज आप सप्लाई करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मेजोरिटी आपको पहले पांच और सर्विसेज एंड पहले पांच गुड्स आपको यहाँ पे डिक्लेयर करने हैं। तो ये पांचों डिक्लेयर करने के बाद गुड्स और सर्विसेज आप आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर जो चेंज किया गया है, अब आप देख पा रहे हैं स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है, अगर आपके पास प्रोफेशनल टैक्स का नंबर है या प्रोफेशनल टैक्स में आप लाइबल हैं, स्टेट टैक्स का लाइसेंस स्टेट एक्साइज का लाइसेंस है, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद अब आ गया है सीधा वेरिफिकेशन। तो इसमें चेंज ये हुआ कि इसमें आप देख पा रहे हैं बैंक डिटेल्स का जो टैब पहले हुआ करता था उस टैब को यहां से डिलीट कर दिया गया है। दैट मींस कि आपको बैंक डिटेल्स यहां पर डालने की जरूरत नहीं है, आप बिना बैंक डिटेल्स भी डाले अपना अब जो रजिस्ट्रेशन है वो आसानी से करवा पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप जो है अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं अपने जीएसटी नंबर के सर्टिफिकेट को दिखा करके। तो यहां पर हम डायरेक्टली जाएंगे वेरिफिकेशन में, और वेरिफिकेशन में आपके पास ऑप्शन है डीएससी से भी कर सकते हैं, ई सिग्नेचर भी यूज कर सकते हैं या ईबीसी से भी कर सकते हैं। ईबीसी करेंगे तो आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को डाल के आप इस फॉर्म को वेरीफाई कर सकते हैं और आपका जो है एप्लीकेशन वो सबमिट हो जाएगा। तो हमारे केस में हमने यहां से ये ईबीसी कॉपी कर लिया और इस ईबीसी को जो है अब वहां पे हम लोग उसको सबमिट करेंगे एप्लीकेशन को। जैसे ही यहां पे वैलिडेट करेंगे तो आपका जो है ये आपका सक्सेस हो गया एप्लीकेशन, और एआरएन नंबर जो है 15 मिनट के अंदर अंदर आपके ईमेल आईडी पे और फोन पे चला जाएगा। तो ये एक न्यू प्रोसेस है जिसमें कि बिना बैंक अकाउंट के आप अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं जीएसटी आरईजी 01 में। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा और आपको रजिस्ट्रेशन लेने में अब कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने अभी चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए और अपनी क्वेरीज और पोस्ट वहां पर आप हमसे पूछ सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।